पत्रकारों पर हमले होना कोई आम बात नहीं है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता कर रहे जर्नलिस्टों पर हमले होते आए हैं। सरकार प्रशासनिक तंत्र की तरफ से पत्रकारों पर मामले दर्ज किए जाते हैं और इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कई ऐसे मामले हैं जिनमें पत्रकारों को क्लीन चिट मिल जाती है, लेकिन कई पत्रकार अपनी पत्रकारिता से हाथ धो बैठते हैं। ताज़ा जो मामला है वो मनदीप पूनिया का है। मनदीप पूनिया जो कि एक मैगजीन में फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया और इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। क्या रहा इसके पीछे का कारण, क्यों मनदीप पूनिया को इस तरीके से मनदीप पूनिया के खिलाफ FIR दर्ज की गई, क्यों उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, क्या कुछ रहा घटनाक्रम, देखिए इस रिपोर्ट में। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com. अच्छा या बुरा उसे सबके सामने लाया जा सके, लेकिन क्या हो जब पत्रकार पर ही हमला होने लगे और पत्रकारिता पर ये तंत्र भारी पड़े। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों। पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की खबर आम तक पहुंचाने और सपोर्ट करने पर पुलिस अफसरान ने हरियाणा के स्वतंत्र पत्रकार मनदीप पूनिया के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर पुलिस के काम पर बाधा पहुंचाने का आरोप लगाकर मनदीप को गिरफ्तार किया गया और फिर 31 जनवरी दोपहर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मनदीप के वकील ने जानकारी दी है कि उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मनदीप पर हुई इस एक्शन के बाद तो ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों की मांगों पर पत्रकारिता करना पूनिया पर ही भारी पड़ गया। ऐसा नहीं है कि पत्रकार पर ऐसी कार्रवाई पहली बार हुई हो, बल्कि इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है। इसका उदाहरण है हाथरस की घटना। घटना को कवर करने आए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जब उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया तो 24 घंटे तक उनके परिवार या किसी करीबी को नहीं बताया गया कि उन्हें कहां रखा गया है। केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी डाली ताकि उनके बारे में पता चल सके। याचिका में कहा गया था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लिया गया है। कप्पन पिछले 3 महीने से जेल में हैं। सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किए गए पत्रकार मनदीप पूनिया के बारे में भी पुलिस ने कई घंटों तक उनके परिवार को जानकारी नहीं दी। उनकी पत्नी का कहना है कि उन्हें 16 घंटे बाद खबर मिली। इस बैठक में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, इंडियन वुमेन प्रेस कोर, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन शामिल थे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने अपने बयान में कहा, कोई स्टोरी जब घटित हो रही होती है तो चीज़ें अक्सर बदलती रहती हैं, उसी तरह जो स्थिति है वही रिपोर्टिंग में दिखती है। जब इतनी भीड़ शामिल हो और माहौल में अनुमान, शक और अटकलें हों तो कई बार पहली बार और बाद में की गई रिपोर्टिंग में अंतर हो सकता है। इसे मोटिवेटेड रिपोर्टिंग बताना आपराधिक है, जैसा कि किया जा रहा है। सिर्फ अभी नहीं बल्कि पिछले काफ़ी वक्त से पत्रकार इस तरह के मामले अपने ऊपर झेल रहे हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ FIR के कई मामले सामने आए। 31 अगस्त 2019 को मिर्जापुर में पवन जायसवाल के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। पवन जायसवाल ने सरकारी स्कूल में व्याप्त अनियमितता और मिड डे मील में बच्चों को नमक रोटी खिलाए जाने से संबंधित खबर छापी थी। काफ़ी हंगामा होने के बाद पवन जायसवाल का नाम FIR से हटा दिया गया और उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। 16 सितंबर 2020 को सीतापुर में रविंद्र सक्सेना ने क्वारंटीन सेंटर पर बद इंतजामी की खबर लिखी। उन पर सरकारी काम में बाधा डालने, आपदा प्रबंधन के अलावा SC ST एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 10 सितंबर 2019 आजमगढ़ के एक स्कूल में छात्रों से झाड़ू लगाने की घटना को रिपोर्ट करने वाले 6 पत्रकारों के खिलाफ FIR हुई। पत्रकार संतोष जायसवाल के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और रंगदारी मांगने संबंधित आरोप दर्ज किए गए। 7 सितंबर 2020 को बिजनौर में दबंगों के डर से वाल्मीकि परिवार के पलायन करने संबंधित खबर के मामले में 5 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई।
पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स हर साल 180 देशों की प्रेस फ्रीडम रैंक जारी करती है। इस इंडेक्स में भारत की रैंक लगातार गिरती जा रही है। 2017 में 136वें स्थान के बाद 2020 में भारत 180 देशों में से 142वें नंबर पर है। मंदी पूनिया के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक हवा भी गर्म हो गई है। जी हां, कांग्रेस ने मंदी पर हुई इस कार्रवाई की पूरी निंदा की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्रकार पूनिया की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर किसानों की आवाज को कुचलने का आरोप लगाया है। रविवार को प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा कि किसान आंदोलन कवर कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं, कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया। भाजपा सरकार किसानों की आवाज़ को कुचलना चाहती है, लेकिन वो भूल गए हैं कि जितना दबाओगे उससे ज़्यादा आवाज़ें आपके अत्याचार के खिलाफ उठेंगी। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अफसर का कहना है कि पूनिया आंदोलनकारियों के साथ खड़े थे, उनके पास प्रेस आईडी कार्ड नहीं था। पूनिया पर पुलिस के साथ अभद्रता के आरोप लगे हैं, इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। बहरहाल, एक मैगजीन के लिए फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे मंदीप पूनिया अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। अब ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि देश के नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ कागजों में है, क्योंकि जो बोलता है वो सजा का पात्र बन जाता है।